आज आप लोगों को मैं लेके आया हूँ ब्रुकलिन ब्रिज पार्क। यहाँ पे आप लोगों को ग्राउंड में ग्राउंड्स दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शाम के वक्त। यहाँ पे इस नेबरहुड के बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे पतंगबाजी भी होगी और यहाँ पे फुटबॉल के छोटे छोटे क्लब्स भी होते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, और दे आर द क्लब्स ऑफ दिस नेबरहुड। यहाँ पे वॉक करते हैं और आप लोगों को मैनहट्टन का नज़ारा भी दिखाता हूँ, स्काईलाइन इन द बैकग्राउंड। और अच्छा, यहाँ पे बच्चे बार बार चीखते हैं तो उनकी माँ उसे कह रही है कि उस तरफ चले जाएं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी हो रही है, लेकिन अगेन इनके पतंग जो होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, यानी वाटरप्रूफ होते हैं, तो देर इज़ नो एनी इशू। ये मखसूस किस्म के कपड़े से बने हुए हैं और लेकिन स्टप बहुत ही हल्का सा स्टप है। तो ये पतंगबाजी का ट्रेडिशन चाइना से स्टार्ट हुआ 16 सेंचुरी में। पहले इसको विंड डायरेक्शन और मिलिट्री पर्पसेस या सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जब यानी उसका मेन पर्पस था जब ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम चाइना। बाद में इसको बतौर एंटरटेनमेंट लेने लगे और चाइना से पूरे एशिया में फैला और यूरोप तक आया। यानी ये एक इस तरह ट्रेडिशन है, अगर वेस्ट तक आया है तो एशिया से आया है, यानी हम क्लेम कर सकते हैं एटलीस्ट बतौर यानी एशियन के एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुए। बारिश भी स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। पीछे आप लोगों को लोअर डाउनटाउन मैनहट्टन नज़र आ रहा है, फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को शायद कोना भी नज़र आए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। उस साइड पर आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी शायद नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। उस तरफ भी कुछ पियर्स बने हुए हैं, उस पर भी इसी तरह के वो फेरीज होते हैं, लोग बैठ के यहाँ पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं, या यहाँ से अटलांटिक ओशियन की तरफ चले जाते हैं, फिर अटलांटिक ओशियन में क्वीनी आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ पियर्स बने हुए हैं, अभी एक फेरी जो है वो लोड हो रही है, वो यहाँ से ऊपर जाएगी। तो यानी तकरीबन कुछ 5 रूट्स है गालबन। तो अगर किसी ने आना हो यहाँ पर मैनहट्टन में तो इन फेरीज़ का एक दफ़ा लाजमन यानी वो इनका एक्सपीरियंस ले। ये पियर्स 5 है और यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, उनके क्लब होते हैं और उनको वो पे करते हैं मंथली, और शाम के वक्त उनका अपना कोच होता है यहाँ पे ट्रेनर। तो अभी जो पतंगबाजी हो रही थी, पतंगबाजी का सेशन ख़त्म हुआ 5 बजे, और अभी फुटबॉल के लिए, सॉकर के लिए आम रेगुलर ये एक्टिविटीज़ रेगुलर यहाँ पे होते हैं। यानी यहाँ पे हर तरह के एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त रियासत की तरफ से हुआ है कि वो अपने बाशिंदों को किस तरह एंटरटेन करे, और हर तरह से इनको बैलेंस रखा है सोसाइटी को। अगर एंटरटेनमेंट के ज़राए उन्होंने बनाए हैं जिस जो कि अनहेल्दी है, एट द सेम टाइम हेल्दी, और एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम भी उन्होंने इसका बंदोबस्त किया हुआ है, और इसकी अच्छी तरह से मेंटेनेंस होती है। जितने टैक्सेस लेते हैं हुकूमत वाले, यानी हुकूमत यहाँ पे जितने टैक्सेस लेते हैं उसी तरह वो कारकर्दगी भी दिखाते हैं। और अगर थोड़ी सी भी भूल यहाँ पे हो जाए या गफलत नज़र आए यहाँ के लोगों को तो बहुत बुरा मानते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं सारे जो है वो काम में लगे हुए हैं, इंतज़ामिया, पार्किंग इंतज़ामिया, कोई सफाई कर रहा है और कोई डस्टबिन साफ कर रहे हैं, और कोई जो है वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं ताकि इंश्योर कर सके कि बच्चे आपस में लड़े ना। वैसे यहाँ पे लड़ाई बहुत कम होती है, यहाँ पे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है पेरेंट्स की तरफ से, घर की तरफ से, दे आर वेरी मेच्योर। मैं यहाँ पर कभी कभी मैं इनके साथ डिस्कशन करता हूँ तो जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल यानी हमारे जो 25 साल के जवान होते हैं इस तरह, इतने इंटेलिजेंट है यहाँ के लड़के। तो यहाँ पे छोटे मोटे नेबरहुड के क्लब्स होते हैं जिनमें बच्चे आते हैं और खेलते हैं, उनका एक कोच होता है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। अगर यू आर अ स्पोर्ट्समैन और इफ़ यू कैन मैनेज, एक बच्चे की फीस अराउंड अबाउट $300 है पर मंथ, 300 to 500, यानी सिर्फ आपने आधा घंटा उनके अपनी निगरानी में इनको प्रैक्टिस करवानी है। मैनहट्टन में घूमने के लिए बेहतरीन ज़रिया ये छोटे स्कूटीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गाड़ी में आते हैं तो पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर पार्किंग मिले भी तो बहुत महंगी एक्सपेंसिव होती है, एक घंटा तकरीबन $30 से $40 तक पर आवर
तो ये बाइक अभी रिसेंटली पिछले वीक मैंने लिया $600 का। ये है फ्यूचर स्टार फुटबॉल क्लब। इस क्लब का नाम है सॉकर ऑफ NYC। बच्चा कह रहा है मुझे फुटबॉल दे, और ये फुटबॉल इस क्लब के बच्चों का लेना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी बच्चे को एक दिन भी अकेले ग्राउंड भेजा तो आपके लिए यानी दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्क कि आप किसी भी बच्चे को अकेले विदाउट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे वालिदैन सारे खड़े हैं, उनको देख रहे हैं, डेली उनके पास आते हैं, उनके साथ आते हैं, और जो कंट्रोलर जो यहाँ पे मैनेजर होता है, कोच होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे किसी बच्चे को लेना और कोई क्लब चलाना और इस तरह के जो अंडर एज बच्चे होते हैं टू मेक श्योर। यानी अभी अगर आपने क्लब बनाया है तो आपने इसके रजिस्ट्रेशन करनी है, परमिट लेना है, और इसके साथ आपने इंश्योरेंस लेनी है कि अगर बच्चा खेल रहा है तो खेलने के दौरान अगर ज़ख्मी हो जाए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे अगर आपस में लड़ पड़े तो आपने उनको किस तरह हैंडल करना है ताकि वो यहाँ पर एक दूसरे को ज़ख्मी ना करे या उनके बिहेवियर पर बुरे असरात मुरतब ना हो या वो साइकोलॉजिकली यहाँ पर वो डिस्टर्ब ना हो, नॉट ओनली फिज़िकली, तो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ की सारी जिम्मेदारी कोच और कंट्रोलर की होती है। यहाँ पे हर वक्त मैनेजर इनके सर पे होते हैं और पेरेंट्स। कोच इनको अपने पोजीशंस बता रहा है और अभी इनका गेम होगा उन जो वाइट शर्ट वाले हैं इनके साथ उनका टकराव होगा अभी। अच्छा पता नहीं, यहाँ पे भी मैंने देख लिया, यहाँ पे जेंडर बैलेंस मैं नहीं देख रहा, जितने भी यानी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं सॉकर सारे मेजॉरिटी बच्चे हैं यानी बॉयज़ हैं, यहाँ पे गर्ल्स नहीं है, एक आध मुझे मिल जाती है, नज़र आ जाती है, तो यानी स्पोर्ट्स भी जेंडर्ड है या। तो यहाँ पे ना सिर्फ इनको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है बल्कि जो मैनेजर होता है उनको वो बताता है कि आपने किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। तो यानी स्पोर्ट्स एक मुकम्मल फिलॉसफी है। अगर आपने अपने बच्चे की ट्रेनिंग करवानी है तो अगर किसी भी एक स्पोर्ट्स में अगर वो चला जाता है तो इसकी तकरीबन हर तरह की ट्रेनिंग हो जाती है कि हाउ टू डील विद फेलियर, हाउ टू यानी किस तरह हजम करना है आपने अपनी कामयाबी को, और किस तरह आपने टीम वर्क करना है, और नॉट ओनली यानी आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए ये बेहतरीन है बल्कि आपकी साइकोलॉजिकल और पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के लिए भी बेहतरीन एक्टिविटी है। चलो ये आ गया फील्ड में। Good effort, Julian. It's the same thing. We're very disconnected. You're very disconnected. एक बच्चे को कहा कि भाई खोद पड़ो एक मैदान में, यहाँ पे अकेले खड़े हैं, you are not connected with the team. Julian, you can stay. यहाँ पे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं इस ग्राउंड में। ये हमारे बाइक्स के लिए अलग लाइन है। तो बास्केटबॉल में आप लोग देख सकते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी। ये इसके रैकेट्स हैं और ये इसकी बाल है। जी नाज़रीन, फिलहाल बारिश स्टार्ट हो गई, अभी मैंने निकलना है अपने घर की तरफ और है अभी मेरे पास बाइक, पहुंचना है मैंने सबवे स्टेशन तक। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।